पर बन रही है रोटियाँ। तो खाला आई है और सबका मूड था कि रोटी जो गांव में बनती नहीं है। सर पे क्या नाम है रोटी का? करीना पे रोटी का क्या नाम है? चपाती रोटी। हाँ पानी वाली रोटी, मुझे मेरे को पता नहीं है, मैंने भी खाया नहीं है। तो खाला आज बना रही है छत पे आग जला कर देसी स्टाइल में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रोटी बन रही है। सब काफ़ी ज़्यादा अम्मी उस साइड पे नमाज़ पढ़ रही हैं और सब काफ़ी लगे हुए हैं। आग इन लोगों ने जलाई है और सब उफे अपी तो बिल्कुल गाँव की लगती ही है, हालाँकि तो आज तो बिल्कुल उसी टाइप की वाइब्स भी दे रही है। चलिए रोटी का देखिए आप कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। चलिए जब बनेगी, खाला खाला बहुत मेहनत कर रही है हम लोगों को खिलाने के लिए। रोटी देखेंगे खाते हैं और यहाँ पे सारी बन भी गई है ऑलमोस्ट। जब बनेगी तब मैं आपको बताऊँगी कैसा है। टेस्टी तो लग रही है देखने में ही। और ये सब इस तरह बैठे हैं देसी वाइस। चलो ऊपर चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सब पास्ता बन हो गया, यम सब पास्ता बन गया है। तो नमाज भी डन हो गई है अम्मी की, मैंने आज नमाज नहीं पढ़ी है और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं। और चलिए देखते हैं करीना भी हो गया डन, बन गई। चलिए खाते हैं और फिर सब्जी रख दो। अच्छा क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है? उशाद सही बता, तुम्हारा नाम क्या है? अरशद यहाँ पे गेम खेल रहे, मुझे नाम नहीं पता है मेरे खाले के बेटे का। और यहाँ पे जुनू बैठी हुई है और ये पता नहीं कहाँ से छूट के आप आई हैं। दिखा रही हैं कि ये भी ब्लॉग में दिखा दो, कुछ तो चला जाए, ये वोट करके दिखा है। सब पागल कर रहे हैं मेरे सर में कहीं दर्द से, कुछ कुछ ब्लॉग नहीं आ पाया तो मैं क्या कहूँगी। जा हो गया, उंगली काट के देते ब्लॉग में क्या। उशाद और ये सब बिजी हैं, सिर्फ मैं फ्री रहती हूँ घर में। एक इधर इल्मा भी अपना काम कर रही है। उशाद तो कंटिन्यू परेशान कर रहा है। उशाद मत करो यार, तो बात कर रही हूँ उधर। उशाद पढ़े हुए हैं, सब अपने अपने मजे कर रहे हैं, सब थक चुके हैं। और आज है क्या, जाओ सुनू ला दो मुझे एयरफोन, करीना पी के पास से ला दो। जाओ करीना पी, आप वॉइस ओवर करो, शूट करो, बोलो बताओ। तो गाइस यहाँ पे देखिए अम्मी ने खस्ता बनाया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप तो देख सकते हैं, आपको तो देखने में मालूम पड़ रहा होगा कितना खस्ता है। और यहाँ पे सगुफी फ्राई कर रही हैं, एक दो खस्ते रह गए थे तो सगुफी उसको भी इसमें ऐड करके फ्राई करके इसमें रख रही हैं। और उसके बाद सगुफी जा रही हैं बताशा तलने के लिए। सगुफी बनाएंगे आज पानी पूरी। तो फिर अभी आपको बताते हैं, जिक्रा बता रही हैं बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। ओके तो फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। ओके बड़े टेस्टी बनाया, मैं खाती नहीं थी खस्ते वगैरह में, मीठे में बहुत कम ही, बहुत रेयर होता है मेरा खाना। लेकिन आज खाला ने बनाया तो मैंने टेस्ट किया, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट भी है मार्केट जैसा। मैंने मार्केट का भी नहीं खाया है लेकिन वो बता रही हूँ कि मार्केट जैसा है तो काफ़ी टेस्टी बना है। आप लोगों को भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी खस्ते बनते हैं, इसको खस्ते कहते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा नाम क्या है इसका एग्जैक्ट। खाला तो खस्ते ही कहती है। और अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने रेसिपी शेयर करी, शूट करी लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ क्लिप अभी छूट गई, जैसे कि मैं अंदर चली गई, खाला फिर फ्राई करने लगी तो वो सब मैं शूट ही नहीं कर पाया, तो अभी लास्ट क्लिप मैंने ऐड कर दी थी। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो फिर से रेसिपी रिवर्स करवा के खाला एक बार और बना लेंगे एंड देन मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के साथ। वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा सब आसान हो रही है, मुझे तब बोलती हूँ। और घर में सब इतना कुछ हुआ करता है कि ब्लॉग नहीं शूट कर पाते और बहुत ही कम होता है जो कैमरा उठा पाओ। और कॉलेज भी मेरा आजकल जाना हो रहा है तो मैं इतना ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। अभी परसों की ब्लॉग अपलोड्स कर रही हूँ, आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और कुछ ब्लॉग्स अभी, कुछ क्लिप्स ऐसी हैं जिसको एडिटिंग करना बाकी है तो वो भी अभी इसी में ऐड करके इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल आएगा
एंड देन इसके उसके बाद ये वाला ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसे लगते हैं आपको ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। करीना पी फ्राई कर रही है पानी पूरी, और यहाँ पानी को क्या ये क्या बना, पानी बनने जा रहा है, पानी तैयार करने के लिए यहाँ पे उसकी ग्रेवी तैयार कर ली जा रही है, उसमें जो भी ऐड करें डालते हैं आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हरी धनिया हरी मिर्ची अभी ऐड किया हुआ है, बाकी मैं इसका पेस्ट बना के उसके बाद आपको दिखाऊंगी। मैं बनाने जा रही हूँ, ये तो करीना नाम रुको रुको हमका भी तो लेना है, रुको अरे सब अपने अपने ब्लॉग में अभी ना करेंगे, एक से शॉर्ट एक शूट करते हैं, ये एक शॉट डालेंगे एंड मेरा तो पूरा ब्लॉग जाएगा। और अभी किचन में काफ़ी ज़्यादा मेस भी हो रखा है, इनकी आवाज़ से मेरा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। चलिए सब सब पीना, इसका पेस्ट कर लिया डन मिक्सी में, और अभी पानी में ये सब काला नमक वगैरह डालेंगे और अभी इसको मिक्स करेंगे, देन मैं पानी का पूरा फाइनल दिखाती हूँ अगर मैं किचन में रही तो। और बाकी सभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वॉइस के साथ, मेरा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं इतना सही से, क्योंकि इतना मेरे घर में बोलते हैं सब कि मैंने ये रेडी कर दिया है पहले ही, लो मैंने नहीं किया मतलब सबको पीने कर दिया। और ये खाला ने मटर डाल के पानी का टेस्ट लेने जा रही, पानी 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 पूरी मैं क्या बोल रही हूँ। खाला कैसा बना है, रिव्यूज झूठे बता रही है, शो रिव्यू बहुत खट्टा है, खट्टे नहीं कुछ टेस्टलेस है पानी, खाला ने ऐसा रिव्यू दिया है कि टेस्टलेस है, ना खट्टा है ना कड़वा है, तो मतलब फ्लॉप हो गया है पानी पूरी। जंजीरा ही डाला है, मतलब सब मेरे को नहीं आता बनाना, इनकी आवाज देखा है अभी आप लोग आराम से सुनिएगा, ये बनाती कम है गिराती ज्यादा है, देखिए देखिए गाइस देखिए एक एक उठा रही है, उसी से फ्राई कर रही है उसी से उठा रही है, कितनी मेहनती है मेरे घर के लोग, बहुत ज्यादा। गाइस गंदा नहीं था लेकिन हाँ वो गिर गया था, साइड कर दिया था, और ये इधर इनकी शॉर्ट्स बन रही है, तो क्या बोल रही है देखिए, सारे बतासे रेडी हो चुके हैं, काफी अच्छे से मैंने फ्राई किया है, अरे अरे बतासे गिरते बहुत ज्यादा सारे हो गए। फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ, खाते हुए मैं आपसे मिलती हूँ। तो पीस में कुछ काम अपना दिमाग लगाते हुए फिर से फ्राई कर रही है उसको, क्योंकि उसको फ्राई एक साइड से नहीं हुआ था, मुझे जला मत देना। और बहुत सी चीज़ें बनाई थी जैसे कि इधर इल्मा आ गई हैं, रुक जाओ मैं बिछा रही हूँ दस्तरखान, इल्मा से कहा था एक काम के दस्तरखान बिछा दूँ, वो भी इनसे नहीं जाएगा। और खाला ने इससे पहले बनाया था, ये दस्तरखान मैंने उठा लिया है, खाला ने इससे पहले बनाया था, क्या बनाया था, शिरमाल बनाया था, फिर लच्छे वाले पराठे बनाए थे, फिर पसंदीदा कबाब बनाया था, वो सबकी रेसिपी मैं नहीं शूट कर पाई, मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, मैं खाने के टाइम सिर्फ आई और मैं खा ली, जैसे कि मेरा काम है खाना ही। और मैं अभी इधर दस्तरखान बिछाने जा रही हूँ, मैंने बिछा दिया, अभी मैं एक एक सामान ले लेकर आऊँगी अंदर दस्तरखान, ये सारा लेके जा रही हैं। और करीना भी हर चीज़ रास्ते ही में रुकवा देती है, और उसका भी फाइनल लुक मैं अभी दिखा एक तो। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर की कि ब्लॉग में मैं शूट करती हूँ, मैं हाइड भी करती हूँ, और फिर बीच में आ जाते हैं, फिर भी बोलते हैं अगर आ गया तो जाने रहते हैं, धमकी मुझे देते हैं सामने से, कितनी गलत, आओ ही मत ब्लॉग में यार। इल्मा क्या कहना चाहोगी, ब्लॉग में ज़बरदस्ती आके फिर बोलो कि धमकी दो मुझे कि अगर आ गया तो जाने रहना। ऐसे ही कल मैंने एक ब्लॉग डाला एंड देन उसमें थोड़ा सा 1 सेकंड का भी मेरा फेस आया था, उसको मैंने डिलीट किया, एडिटिंग की, फिर से अपलोड किया, काफ़ी टाइम मेरा आधा टाइम इसी में चला जाता है आप लोगों को पता है, और आप लोग लाइक और शेयर भी नहीं करते, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा और लो हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करो फिर एक आप लोग लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, और जिस जो मेरे चैनल पे सिर्फ आके देख के चले जाते हैं वीडियो, तो पानी पूरी बता तो ये साइड पर रखा है, और बाकी सारी फैमिली भी इधर बैठी हुई है, कितनी बड़ी बेइज्जती है यार, भर दो एक हम टेस्ट करके जल्दी से अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली को यूट्यूब फैमिली को दिखा दो, फिर मैं आराम से खाऊं।
तो आती है और ये खाला ने मुझे दे दिया है और मैं भी टेस्ट करके बताती हूं। ये दाने भी इससे बहुत है। पानी थोड़ा सा तीखा, बाकी पानी पूरी अच्छी बनी है। चलिए मैं खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाड़ी आ गई है, खाला लोग खाएंगे और इसको खाएंगे। तो आप ही लोग तो खाओगे, हम इसको खाएंगे। इतना सारा नहीं खाएंगे लेकिन हाँ एक दो पीस खाएंगे। कैमरे में बिस्कुट नहीं है, नीचे दिखाई दे नहीं रहा, ये खस्ता है। चलिए तो दाने निकल रहा है मेरे चेहरे पर, थोड़ा करो दाना निकलेगा, थोड़ा कर दो उसके लिए बड़ा टेस्टी पानी पूरी थे। मैं खा के चली आई हूँ क्योंकि तीखा बहुत था पानी पता से, और सब इधर खाने की प्रिपरेशन जा रही हम। और अभी देखते हैं कुछ अभी हो रहे हैं 5:15 एंड देन अभी मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जाऊँगी तो वहाँ की क्लिप नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। मैं हैंड वॉश कर चुकी हूँ और चलते हैं अभी। मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आई नो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं जा रहे होगा क्योंकि फैमिली ब्लॉग तो सबको ही अच्छे लगते हैं। एंड और क्या, बाकी सब ठीक है, आप लोग भी आई होप सब ठीक होंगे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं कुछ बोल जाती हूँ और थोड़ा बहुत ब्लॉग में बोली भी हूँ तो उसको भी प्लीज़ सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के अभी कज़न्स या खाला लोग आती तो ऐसी मस्ती होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।